खबर टीकमगढ़ से है, जहां खरगापुर नजदीक झीलों की नगरी ग्राम चौबारा में नन्हे लाल विश्वकर्मा की स्मृति होने वाले 27 दिसंबर 2022 राज्य स्तरीय 10वां क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रेस वार्ता में आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि पिता की विचारधारा पर यह आयोजन 9 वर्षों से चला आ रहा है। 10वें आयोजन में 18 से 20 टीमें भाग लेकर अपनी अपनी खेल प्रतिभाओं के जौहर एवं प्रदर्शन करती हैं। ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए ऐतिहासिक आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आयोजन की भव्यता एवं लगातार 10 वर्षों के प्रदर्शन की सहभागिता समायोजित कर खेल की भव्यता को प्रदर्शित करते हेतु इस आयोजन में इस बार एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका नाम ग्रामीण खेल चेतना 2022-23 का प्रकाशन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्रीगण, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, टीकमगढ़ कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, ओआईसी, सीएमओ उपस्थित रहेंगे। टूर्नामेंट में प्रतिदिन 30,000 से 35,000 से ज्यादा दर्शक उपस्थित रहते हैं। विजेता को 4 फीट ट्रॉफी सहित 21,111 और उप विजेता को 11,111 राशि सहित पुरस्कृत किया जाता है। प्रेस वार्ता में मीडिया सहित क्रिकेट समिति के कार्यकर्ता, ग्रामीण क्रिकेट टीम भी उपस्थित रही। इस टूर्नामेंट को इस बार 10वां आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है और टूर्नामेंट की क्रिकेट की जो टीमें हैं ये समस्त राज्यों से आती हैं और यूपी, अब राजस्थान और गुजरात से बुलाने की भी अब की बार की प्रक्रिया है, ताकि इसको अपन आगे की प्रक्रिया में, अभी राज्य स्तरीय चल रहा था लेकिन हम चाहेंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय होने की प्रक्रिया बनेगी तो अपन प्रयास करेंगे वहाँ के लोग भी खेलने आएँ और अपने चौबारा के ग्राउंड को कि इसमें खेल करके इस पर जाएँ और वो याद रखें इस खेल को। कब से शुरू होने जा रहे? देखिए, कोरोना काल में एक वर्ष का गैप रहा है, इसमें तो कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए अब ये खेल और ज्यादा अच्छी खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है। और क्रिकेट का आयोजन जो हमारी विचारधारा, हमारी क्रिकेट क्लब समिति चौबारा की जो पूरी एक नियमित रूप से जो काम कर रही है, उनकी सोच विचार है जो कि क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए इस आयोजन को बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। और इस 10 दिवसीय आयोजन में जो टीमें हमारी भाग लेने आती हैं उनकी पूरी व्यवस्था आज हम सभी को सौंपेंगे और हमारी जो समिति है उसके आयोजन में पूरा भाग लेकर के काम करती है, ग्राउंड को तैयार करना और जो टीमें बाहर से आती हैं उनको भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था करना और साफ सफाई की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सब हम आज इस अपनी पत्रकार वार्ता के माध्यम से सौंपेंगे। और डेट फिक्स रहती है, इसका क्या उद्देश्य है और किस किस स्थिति में आप टूर्नामेंट कराते हैं? देखिए, ये पूज्य हमारे माननीय पिताजी श्री स्वर्गीय नन्हेलाल विश्वकर्मा जी की स्मृति में यह आयोजन किया जाता है। तो उनकी सोच जो थी, उनके जो विचार थे, उनकी विचारधारा से हमने जो लिया है, सीखा है, तो उस विचारधारा को हम अपनाते हुए खेल के प्रति इस आयोजन को करीब 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बार का 10वां क्रिकेट का आयोजन होगा, राज्य स्तरीय क्रिकेट जो है इस बार का 10वां आयोजन किया जाएगा। इसी डेट से होता रहता है आपका डेट? हम इसको दो सन में रखते हैं, 2 वर्षों में, कि 27 दिसंबर से चालू होता है और 5 जनवरी को इसका समापन होता है। तो हमको क्या है, 2 सन इसमें मिलते हैं और दोनों में लिखने में हमको जैसे 22-23 ये आता है तो इसका कुछ और भी अच्छा लगता है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है इस आयोजन में? मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, विश्वास सारंग जी प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा टीकमगढ़ प्रभारी, और अवधेश प्रताप सिंह हमारे विधानसभा ACS प्रमुख सचिव, और राहुल सिंह लोधी जी, उमिता लोधी जी सम्मानीय अध्यक्ष टीकमगढ़, वो सभी हमारे इसके जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और सबसे समय लिया गया है। मुख्य रूप से इस बार इस आयोजन में हमने एक स्मारिका का एक विमोचन करने के लिए जो जिसकी लिखी जा रही है, और स्मारिका को हम सबसे बड़ा मूल रूप देकर के खेलों के लिए, बच्चों के खेल के प्रति उस स्मारिका का विमोचन किया जाएगा जिसका लेख किया जा रहा है। तो हम सब प्रथम 27 तारीख दिसंबर को जैसे प्रथम खेल प्रारंभ होगा उसी दिन हम एक्चुअली उसका प्रकाशन किया जाएगा स्मारिका का, ग्रामीण खेल चेतना 22-23। मंत्री जी से क्या मांग करेंगे कि आपका स्टेडियम काफी? देखिए, मंत्री जी से तो हम जब मांग भी पहले भी कर चुके हैं और अभी जब आएंगे तो हम दोबारा मांग करेंगे कि इस स्टेडियम का निर्माण कराया जाए क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए, क्योंकि इस खेल के माध्यम से क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो सीखते हैं
और इसी छोटे छोटे स्तर से सीख करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेते हैं, जहां हमारे क्षेत्र का, टीकमगढ़ जिले का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने में उन्हें बहुत बड़ी सराहना मिलती है।